अपनी तरफ से जैसा कि बोर्ड से भी प्रस्ताव पास हो चुका है मेले के आयोजन की तैयारियों को लेकर, और हमने इसके सारी निविदाएं, टेंडर प्रोसेस एंड सब प्रकार की कार्रवाई हमने पूर्ण कर ली है, और जिस स्थान में मेला लगना है वहाँ की तो हमें स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, लेकिन जहाँ तक चूँकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और धारा 144 प्रभावी होने से मेले में जो विभिन्न एक्टिविटीज़, कल्चर प्रोग्राम, कवि सम्मेलन या जो भी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होना है, इसकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को भेजा हुआ है, और वहाँ से मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हमें प्राप्त हो जाएगी, और आचार संहिता का पूर्ण पालन करते हुए सभी प्रकार के आयोजनों को हम अच्छे तरह से करने का प्रयास करेंगे। नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमने पूरी गतिविधियां जो जो मेले के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होनी है वो सारा डिटेल बना के हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माननीय कलेक्टर साहब को भेजा है, और वहां से उनके द्वारा प्रेक्षण कर रहा है। कल उम्मीद है कल तक हमें कुछ न कुछ स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। ये 19 तारीख से हमारा मेला प्रारंभ हो जाएगा, ये 10 दिन का मेला है हमारा। खान भोपाल से कपड़े की चित्तौड़ मेले में। कैसा दिख रहा है, मतलब अच्छा व्यापार होगा इस मेले में? अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा, प्रोग्राम के हिसाब से बाद में देखा जाएगा जैसा होगा। आपको क्या उम्मीद है? हर साल की तरह से होना चाहिए, जैसा हर साल करते हैं अपन, बराबर अच्छा चलता है। जब से चालू हुआ ना चित्तौड़, जब से ही लगा रहे हैं बराबर, लगभग 6-7 साल। व्यापार साहब हो जाता है 2.5-3 लाख का। किराया तो साहब कम ही है, मतलब 2-3 हज़ार रुपये के समथिंग होगा। हाँ, एक दुकान।